कर दिया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ऑल ग्रेट एंड सेफ। टुडे वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इसको समझने के लिए इसको दो पार्ट में आप डिवाइड करिए। फर्स्ट इज फाइनेंस, अनदर इज मैनेजमेंट। इट मीन्स हाउ टू मैनेज योर फंड, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस, द थ्योरी थ्रू विच वी मैनेज अवर फाइनेंस और फंड्स और मॉनिटरी, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, हियर एन एक्टिविटी टू प्लान एंड कंट्रोल फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो एक एक्टिविटी है, वो एक माध्यम है जिसके जरिए हम कंट्रोल करते हैं, प्लान करते हैं हमारे फाइनेंस को, हमारे फर्म के फाइनेंस को, कंपनी के फाइनेंस को, एंड डे टू डे हम अपने घर के फाइनेंस को। तो जिस तरीके से हम ओवरऑल फाइनेंस को प्लान करके चलते हैं, कंट्रोल करके चलते हैं, ये सारा जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, नाउ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इट मीन्स इट इज ऑल्सो डज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। इट मीन्स हाउ टू प्रोक्योर फंड, हाउ टू जनरेट द फंड। आप अपने फंड को कैसे जनरेट करते हैं, कैसे आप हर किसी माध्यम से फंड को अरेंज करते हैं, लाइक बैंक के थ्रू, करेक्ट, शेयर होल्डर्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें जिसके ज़रिए हम फंड को जनरेट कर रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट्सेल्फ अ वेरी वास्ट एंड वेरी ब्रॉड मीनिंग, हाउ टू मैनेज, हाउ टू प्लान, हाउ टू जनरेट एंड हाउ टू कंट्रोल द फंड, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ What are the scope of finance? Finance का स्कोप क्या है, क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है हमें, हमारी लाइफ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या उपयोग है, क्या ज़रूरत है उसकी। तो स्कोप क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। So first point is deciding capital structure. It means when we start a small or a big business, we need a capital, पूंजी। कोई भी छोटा बड़ा हम कोई भी कारोबार जब शुरू करते हैं या कोई भी ऐसी चीज financial planning जो हम करते हैं, उसके लिए सबसे पहली जरूरत हमें किसकी होती है, कैपिटल की, पूंजी की। इट मींस हर चीज को शुरू करने के लिए एक इनिशियल फंड की, जो पहला फंड जिसको हम इन्वेस्ट करते हैं वो कहलाता है योर कैपिटल, आपकी पूंजी। सो हियर डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, इट मींस फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्कोप करता है, इज अ स्कोप ऑफ हाउ टू जनरेट अवर कैपिटल स्ट्रक्चर। हम इसके थ्रू ये पता लगाते हैं कि हमें कितने कैपिटल की ज़रूरत है, हम डिसाइड कर पाते हैं। बिकॉज जब तक हमें अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए पता ही नहीं चलेगा कि हमें कितनी पूंजी की ज़रूरत है, हम नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड अ क्वालिटेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर टू स्टार्ट अवर ओन बिजनेस। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू डिसाइड योर कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू हम पता लगाते हैं कि हमें कितनी पूंजी की आवश्यकता है। नाउ योर सेकेंड पॉइंट, सिलेक्टिंग अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट
हमें मदद करता है, हमारी हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि हमारा सोर्स ऑफ फंड क्या रहेगा, हम किस माध्यम को चुनेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू हमें ये पता पड़ता है कि हम किन किन माध्यम से हमारे फंड को अरेंज कर सकते हैं, बैंक के थ्रू, शेयर होल्डर्स के थ्रू, डेटर्स के थ्रू, हम इन सारे सोर्सेस को कैसे यूटिलाइज करके अपने फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ये प्रोसेस कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है आपको ये बताने में कि आपके फंड को जनरेट किन किन माध्यमों से किया जाता है। लाइक अवर बैंक, वी गो टू द बैंक एंड अप्लाई फॉर अ लोन टू सेट अप अवर न्यू बिजनेस। हम अपने ही बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ कभी कभी लोन एक्वायर करते हैं, लोन अप्लाई करते हैं, बिकॉज दैट इज योर अनदर सोर्स टू जनरेट द मनी। करेक्ट, बैंक आपको फंड दे रहा है, आप उस फंड को बिजनेस में लगा रहे हो। सो द होल प्रोसेस ऑफ दिस फॉर अप्लाइंग द लोन थ्रू अ बैंक एंड इन्वेस्टिंग ऑन योर ओन बिजनेस इज अ प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको ये बता रहा है कि बैंक आपका वो सोर्स है जहाँ से आप लोन ले सकते हैं, फाइनेंस को, फंड को जनरेट कर सकते हैं। ओके, नाउ द अनदर इज योर शेयर होल्डर्स। लाइक कुछ लोग होते हैं जो 4-5 शेयर होल्डर्स मिलकर एक पैसा लगाते हैं बिजनेस में। जैसे मुझे एक बिजनेस सेटअप करना है और मुझे फंड की जरूरत है, सो व्हाट वुड आई डू? आई विल अरेंज सम पीपल और गेट सम पीपल, 5 or 10 पीपल्स हु विल इन्वेस्ट ऑन माय प्लान, बिजनेस प्लान, जो मेरे बिजनेस प्लान में इन्वेस्ट करेंगे। एक पर्टिकुलर रेशियो उनका डिसाइड होगा, सो दैट वी कॉल देम एज अ शेयर होल्डर। Selecting a source of finance means हम शेयर होल्डर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि वो मुझे फंड करें और मैं उसके बदले में एक पर्टिकुलर रेशियो में उनको इंटरेस्ट वापस करूँ। सो दिस इज ऑल्सो एन अनदर सोर्स ऑफ फंड वेयर वी विल गेट अवर मनी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस एंड अरेंज अवर फाइनेंस थ्रू दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ अनदर पॉइंट इज, बैंक से आपने पैसे ले लिए, शेयर होल्डर्स की आपने हेल्प ले ली। नाउ समटाइम्स वी कॉल देम पार्टनर्स। हम दो फ्रेंड मिलके बिजनेस स्टार्ट करेंगे, दोनों ही पैसा लगाते हैं। कुछ होते हैं जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, कुछ होते हैं नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं। तो जहाँ पर हम पार्टनर्स मिलते हैं, मीट करते हैं और कुछ फंड मिलकर हम लगाते हैं और नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सो अनदर पॉइंट इज सिलेक्टिंग अ सोर्स ऑफ फाइनेंस इज अ मेजर स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वेयर यू कैन डिसाइड योर सोर्सेस फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग फंड। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर कैश मैनेजमेंट। प्रॉपर कैश मैनेजमेंट यानी क्या होता है, मतलब आपको प्रॉपर कैश मैनेजमेंट से क्या समझ में आता है? कैश को मैनेज करना। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है आप अपने कैश को कैसे मैनेज करोगे। आपके पास कैश फ्लो है, पैसा आता है, पैसा जाता है, आपको अपने पैसे को, मनी को, कैश को कैसे अपने बिजनेस में लगाना है और किस तरीके से उस पैसे का आवागमन करना है, यानी कि लेन देन करना है, ट्रांजेक्शन ऑफ कैश करना है, ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, योर मॉनेटरी वैल्यू को ट्रांजेक्ट करना है, इसका मैनेजमेंट किसके थ्रू होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू। ओके, सो
proper cash management, financial management gives you the knowledge how to manage your cash value, how to manage your cash in a proper way, so that you can flow your cash by your real transactions. मतलब आप अपने ट्रांजेक्शन्स को कितना रियलिस्टिक वे में लेन देन दे रहे हैं, कर रहे हैं, इसका पूरा लेखा जोखा, इसकी नॉलेज कौन देता है आपको? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल से क्या समझ में आता है? फाइनेंस को कंट्रोल करना. ओके, तो इम्प्लीमेंटिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंस को कंट्रोल कर रहे हैं और उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. हाउ कुड यू डू ऑल दीज इम्प्लीमेंटेशन फॉर योर फाइनेंस कंट्रोल? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब होता है आप कौन कौन सी पद्धतियों को, कौन कौन से रियलिस्टिक वेज को अपनाते हैं जिसके थ्रू आप अपने फाइनेंस को कंट्रोल करके रख सकें. इट मींस आप अपने फंड की प्रॉपर कॉस्ट कटिंग भी कर पाए, प्रॉपर फ्लो ऑफ कैश भी कर पाए और प्रॉपर तरीके से उसका मैनेजमेंट कर पाए. सो द होल प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग योर फाइनेंशियल कंट्रोल is the best way to use your knowledge through financial management. Okay, now proper use of surplus. It means aap apne surplus ka, matlab the left money you are having your profit, aapke jo surplus hai, reserve and surplus ko, kharchon ko, reserve amount ko किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, ये क्या करता है, हेल्प कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. बिकॉज इट गिव्स यू द नॉलेज टू यूज, हाउ टू यूज योर सरप्लस मनी, हाउ टू यूटिलाइज योर सरप्लस मनी ऑन अनदर वे. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी आर लर्निंग द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह, क्या फंक्शन होता है उसका, वो क्या हेल्प करता है, किस तरीके से हेल्प करता है. सो वी विल लर्न दिस इन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मैनेजेरियल फाइनेंस फंक्शन एंड रूटीन फाइनेंस फंक्शन, दीज आर द टू वेज थ्रू विच द होल मैनेजमेंट इज वर्किंग ऑन. इस दो तरीके से आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूटिलाइज हो रहा है. कैसे? वन इज मैनेजेरियल फंक्शन प्रोसेस मैनेजमेंट, एक मैनेजेरियल वे पे हो रहा है और एक रूटीन वे में हो रहा है. मैनेजेरियल वे इज द बेस्ट टेक्निकल वे टू यूज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके, सो दिस इज द बेसिक मेन प्राइमरी फंक्शन ऑफ financial management, managerial finance function. Now, what we call about the routine financial function? Routine means it's like your basic, your daily, day-to-day working through which you are managing your finance in the same way. एक ही तरीके से जो चला आ रहा है, एक ही routine में जो चला आ रहा है कि हमें इसको देना है, इससे लेना है, यहाँ पे पैसे खर्च करने हैं, तो the best, this is the only primary function where we are using the same only single mentality for using your finance. हम एक ही तरीके का रूटीन अप्लाई किए जा रहे हैं हमारे मैनेजमेंट के लिए, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए. नाउ व्हाट वी कॉल अबाउट द मैनेजेरियल फंक्शन, मैनेजेरियल फाइनेंस फंक्शन, दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. बिकॉज इसमें आप किस किसका लेखा जोखा करते हो, किस किस के बारे में पढ़ते हो, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म असेट मेक्स डिसीजन. ओके, इट मीन्स आप इन्वेस्टमेंट
और लॉन्ग टर्म असेट्स के डिसीजंस को किस तरीके से एक्वायर करते हैं, व्हाट वी आर इन्वेस्टिंग, हाउ द लॉन्ग टर्म ऑफ असेट्स मेक्स डिसीजंस आर वर्किंग ऑन, ओके, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी लॉन्ग टर्म असेट्स को प्लान कर रहे हैं, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजेरियल फाइनेंस फंक्शन. नाउ नेक्स्ट, फाइनेंस और कैपिटल डिसीजन, इट मीन्स फाइनेंस एंड कैपिटल मिक्स डिसीजन. आप फाइनेंस को कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, मॉनिटरी वैल्यूएशन को आप कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, कैपिटल का डिसीजन आप कैसे ले रहे हैं, हाउ यू आर जनरेटिंग योर कैपिटल, हाउ यू आर मैनेजिंग योर फाइनेंस, दिस इज द कैपिटल फाइनेंस मिक्स डिसीजन. किस पद्धतियों के थ्रू आप अपने फाइनेंस और कैपिटल मिक्स को डिसाइड कर पा रहे हैं इज द फंक्शन ऑफ मैनेजेरियल फाइनेंस फंक्शन. नाउ द थर्ड पॉइंट इज डिविडेंड और प्रॉफिट एलोकेशन डिसीजन. डिविडेंड एंड प्रॉफिट एलोकेशन मीन्स जब हमारे शेयर होल्डर्स हमें फंड करते हैं, लाइक 5 शेयर होल्डर्स हैं एक कंपनी में, उन्होंने मिलके अपना पैसा लगाया, दे आर द वैल्यू, दे हैव अ वैल्यू क्योंकि वो पैसा लगा रहे हैं. इन रिटर्न व्हाट दे आर गेटिंग, डिविडेंड, द प्रॉफिट. जब प्रॉफिट होता है कंपनी का तो कंपनी सबसे पहले किसका पैसा वापस करती है, किसका प्रॉफिट शेयर करती है, शेयर होल्डर्स का. तो द प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड डिविडेंड. ओके, तो डिविडेंड और प्रॉफिट एलोकेशन कैसे डिसाइड होता है, एक कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ है उसको कैसे एलोकेट करना है, किस वे में उसको इन्वेस्ट करना है और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैसे देना है इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजेरियल फाइनेंस फंक्शन. करेक्ट, होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियर टू यू. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म मिक्स डिसीजन. लिक्विडिटी, अब जब आपने स्कोप्स पढ़ लिए, फंक्शंस पढ़ लिए, तो द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजेरियल फाइनेंस फंक्शन इज अबाउट द लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म असेट्स मिक्स डिसीजंस. लिक्विडिटी फंड की हमारे पास होती है कि हमें मान लो कभी लॉस हुआ, ओके, कभी बिजनेस में लॉस हुआ तो हमें एक सिक्योर्ड मनी अपने पास रखना होता है, उसकी लिक्विडिटी रखनी होती है कि कभी हमें फंड की जरूरत पड़े तो हम कैसे अरेंज करेंगे और फंड को हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे. तो ये जो तरीका, द होल प्रोसेस ऑफ दिस इज कॉल्ड योर लिक्विडिटी ऑफ फंड्स, योर शॉर्ट टर्म असेट्स मिक्स डिसीजन. आपकी जो शॉर्ट टर्म असेट्स हैं आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरीके से आप उस लिक्विड फंड को यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरीके से आपने उस सिक्योर्ड अमाउंट का एक होल प्रोसेस के थ्रू आपने कैसे यूटिलाइजेशन किया है, यूज किया है, इज द फंक्शन ऑफ मैनेजेरियल फाइनेंस फंक्शन. सो नाउ व्हाट वी आर रिवाइजिंग इज व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. Financial management is the process through which we are managing, we are planning and we are controlling our funds. Financial management वो पद्धति है, वो process है जिसके through हम plan करते हैं हमारे fund का, capital का, जिसके through हम उसको control करते हैं, कैसे हमें पूरे finance को control करके चलना है और कैसे हम उसके investment करते हैं, उसको हम कैसे एक बिजनेस में लगाते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत क्यों होती है, व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. स्कोप्स आर वेयर वी आर प्रॉपर यूटिलाइजिंग अवर कैपिटल, हाउ वी आर मैनेजिंग अवर फंड्स, हाउ
your capital, how you are selecting your sources of cash, आप कैसे अपने सोर्स को जनरेट कर रहे हैं कैश प्रोवाइडिंग के लिए, प्रॉपर कैश मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर यूज ऑफ सरप्लस कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल कर रहे हैं, ऑल दीज आर द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नाउ द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. दो तरीके के फाइनेंशियल मैनेजमेंट होते हैं. फर्स्ट इज मैनेजेरियल फाइनेंस फंक्शन. मैनेजेरियल वे इज द बेस्ट टेक्निकल वे हाउ टू मैनेज अवर फंक्शंस, हाउ टू मैनेज अवर फाइनेंस. Now, routine managerial function is the only single way where we are using the same talent, process of utilizing our fund. Managerial functions level 4 तरीके से work करता है. First is investment on long-term asset mix decision. Number 2, your financial and capital mix decision. Number 3, dividend or profit allocation mix decision. And number 4, liquidity and short-term mixed decision. So, for today, we have learned about what is financial management, scope of financial management, and the function of financial management. Hope you have all understood what I am trying to convey you. So, we will learn another your classification of financial management on the next lecture. Till then, have a good day. Goodbye. Thank you.